निजामनगर कस्बे में इकबाल नाम का एक खान सामा रहा करता था। वो राजाओं के यहाँ सभाओं में बिरयानी बनाने का काम किया करता था। इकबाल के हाथ की बिरयानी का स्वाद अरब देशों के शासक भी चख कर गए थे। अरब देश से खत आया था, तुम्हारे हैदराबादी बिरयानी का स्वाद उन्हें बेहद पसंद आया था। ये लो तुम्हारा इनाम, हमारी इज्जत बढ़ाने के लिए। शुक्रिया जनाब, मैं शुक्रगुजार हूँ जो आप सभी मेरे हाथों के स्वाद की तारीफ कर रहे हैं। सब ऊपर वाले की रहमत है जो तुम्हारे हाथों को ये जादुई स्वाद देकर गए हैं। जनाब, पूरे दिल से बनाना पड़ता है, तब जाकर हाथों का स्वाद निखरता है, पर उस हिसाब से बख्शियत बेहद कम मिलती है। आपके दरबार से काफ़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, तब जाकर ये इनाम मुझे मिला है। बिल्कुल, तुम्हारे जादुई स्वाद वाले हैदराबादी बिरयानी को अब पूरा अरब देश जान रहा है, आगे पूरी दुनिया जानेगी इंशाल्लाह। आमीन हुजूर, आमीन। इकबाल के घर पर सलीम नाम का उसका एक बेटा था। बेगम सलीम को जन्म देते ही गुजर गई थी। सलीम अब 14 साल का हो चुका था। सलीम बेटा, कहाँ हो? यहाँ हूँ अब्बू, कहिए कैसे याद किया? आज निजाम साहब ने मेरी खूब तारीफ की है, मेरे हाथों की बिरयानी उनके अरब देशों के मित्रों को इतना पसंद आया कि उन्होंने मुझे इनाम से नवाजा है। अरे वाह अब्बू, तब तो घर पर भी आपके हाथों की हैदराबादी बिरयानी वाली दावत होनी चाहिए। ज़रूर बेटा, ज़रूर होगी दावत, पर आज मैं नहीं, तू बनाकर खिलाएगा ये बिरयानी। अब्बू, मैं कैसे बनाऊंगा बिरयानी, वो तो आपको ही आता है ना? मैं अपने हाथों से बनाए हुए बिरयानी में एक जादुई मसाला डालता हूँ, वही उस बिरयानी का स्वाद बढ़ाता है। कैसा जादुई मसाला अब्बू? मेरे से 4 पीढ़ी पहले के पुरखों को एक जन्नाद ने ये मसाला दिया था। ये खून के रिश्ते के साथ पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते आ रहा है। वो मसाला सभी ख़त्म नहीं होता अब्बू? यही तो उस तिलस्मी मसले का जादू है, वो कभी भी ख़त्म या ख़राब नहीं होता, लेकिन बिरयानी के नमक मिर्ची का अंदाज हमें खुद सीखना पड़ता है, वही अंदाज आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मतलब अब्बू, मैं भी आपकी ही तरह स्वादिष्ट बिरयानी बना सकता हूँ? बिल्कुल मेरे बच्चे, मेरे बाद पीढ़ियों से चले आ रहे इस जादुई मसले की हिफाजत तुमको ही करना है। असली हैदराबादी बिरयानी का स्वाद हमें युगों तक जिंदा रखना है। चलिए मुझे सिखाइए आज स्वादिष्ट बिरयानी बनाना। इकबाल अपने सारे स्वाद के नुस्खे उस जादुई मसाले समेत सलीम को सौंप देता है और अपने से भी बेहतर खान समा बनाने की तैयारी में लग जाता है। अरब देशों से निजाम के पास एक संदेश आया था, वो इकबाल को विश्व स्तरीय व्यंजन प्रतियोगिता में अपने देश की तरफ से बिरयानी बनाने के लिए लेकर जाना चाहते थे। निजाम ने इकबाल को अपने दरबार में बुलाया। जी हजूर, क्या आपने मुझे बुलाया? हाँ इकबाल, अरब देशों ने मुझसे मेरे खानसामे को यानी तुम्हें मांगा है विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में उनके देश की तरफ से बिरयानी बनाने के लिए। अब तुम बताओ, तुम जाना चाहोगे उनके लिए काम करने? हुजूर, उन्हें मना कर दीजिए, वो हमारे मेहमान थे, इसीलिए हमने उनकी खातिरदारी में जान लगा दिया। उनके देश के सम्मान के लिए बिरयानी बनाने से बेहतर है मैं हमारे देश की तरफ से बिरयानी बनाना पसंद करूँगा। ठीक है, मैं तुम्हारा फैसला उन तक पहुँचवा दूँगा। अरब देशों के शासक इकबाल के फैसले को सुनकर भड़क गए, क्योंकि निजाम ने अपने देश की तरफ से इकबाल को उस विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में प्रस्तुत कर दिया था। नतीजतन अरब देश के एक सैनिक शासक भीतर घातियों की मदद से इकबाल की हत्या कर दी। अब्बू, अब मेरा क्या होगा? मैं अकेले इतना लंबा जीवन कैसे गुजारूंगा? अल्लाह इकबाल मियां को जन्नत अदा करे। हिम्मत रखो सलीम, मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। तुम्हारे पिता के वजह से ही आज मैं विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में अपने देश का प्रतिनिधित्व कर पाया, पर कुछ इर्शालुओं को उनके हाथों का स्वाद और हमारे जीत जाने का डर दोनों पता था, इस वजह से उन्होंने उनकी हत्या करवा दी। शायद उनके हाथों के स्वाद का अंत यही तक लिखा था।
अब्बू का सपना मैं पूरा करूंगा। मैं बनाऊंगा उस विश्व व्यंजन प्रतियोगिता में हमारे देश की तरफ से खास हैदराबादी बिरयानी। तुम अभी बच्चे हो, तुम कैसे बना पाओगे सलीम? अब्बू को जिस दिन आपने इनाम दिया था उसी दिन उन्होंने अपने बिरयानी बनाने का सारा नुस्खा मुझे सिखाया था। अच्छा सलीम, इस राज को राज ही रहने देना, वरना भीतर घातियों को यदि पता चल गया तो वो फिर से तुम पर भी हमला करवाने की कोशिश करेंगे। हम मौके पर तुम्हें भेजेंगे प्रतियोगिता में पूरी सुरक्षा के साथ। जी हुजूर, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, ना ही किसी को बताऊंगा कि मुझे अब्बू के जैसे ही बिरयानी बनाना आती है। निजाम ने इकबाल की हत्या के पूर्व ही अपने देश के नाम विश्व व्यंजन प्रतियोगिता का नामांकन करवा लिया था। अरब देशों के बड़े बड़े खानसामे इस प्रतियोगिता में अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे, क्योंकि इकबाल की हत्या हो चुकी थी। प्रतियोगिता का दिन था। सभी देशों के खानसामे अपने अपने प्रसिद्ध व्यंजन के साथ प्रतियोगिता में शामिल हो चुके थे। निजाम नगर से सलीम गया था बिरयानी बनाने के लिए, जिसके साथ में 4 सुरक्षा जवान सहयोगी बनकर उसके साथ खड़े थे। अब ये बच्चा हमारा इसके देश का एक खानसामा था जो इन्हें जिता सकता था। सुना है उनकी किसी ने हत्या कर दी है। सलीम उनकी बात सुनकर बिल्कुल चुप रहा, और जैसे ही वो जादुई मसाले को हैदराबादी बिरयानी में मिलाकर एक बार घुमाया, पूरा सम्मेलन स्थल हैदराबादी बिरयानी के सुगंध से महक उठा। विश्व व्यंजन प्रतियोगिता का परिणाम आ चुका है। सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बनाने का खिताब जाता है निजाम नगर देश का खास हैदराबादी बिरयानी। पूरी सभा तालियों के शोर से गूंज उठी। अपने देश को जीत दिलाने वाले उस छोटे से बच्चे सलीम को बड़ी बड़ी उपाधियों से नवाजा गया और विश्व खान सामा का खिताब दिया गया। आज अब्बू जिंदा होते तो उन्हें मुझे ये खिताब पाते देखकर कितनी खुश होते। इतना कहकर सलीम रोते हुए वापस निजाम के पास चला गया। अरब देश के शासकों में ये सुगबुगाहट चालू हो गई थी कि उस छोटे से सलीम का अब्बू और कोई नहीं इकबाल है, जिनकी उन्होंने हत्या करवाई थी। वो दांत पीसते रह गए, क्योंकि वो सब कुछ करके भी जीत नहीं पाए। एक बार एक गांव में गरीब भाई नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो उसी गांव के बाजार में गोलगप्पे की एक दुकान लगाने का काम किया करता था। अरे भाई, बड़े उदास नजर आ रहे हो, जरा एक प्लेट गोलगप्पे तो पैक कर देना। हमारे घर वाले तो तुम्हारे गोल गप्पे के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते। क्या बताऊं भाई, जब से ये पिज्जा और बर्गर चले हैं गोल गप्पे तो कोई खाता ही नहीं है। दिन पर दिन धंधा कम होता जा रहा है। हमें भी तो 2 रुपए घर ले जाने होते हैं और परिवार का ख्याल रखना होता है। कह तो तुम सही रहे हो भैया, क्या करें, आजकल की जनरेशन यही सब खाती है। उन्हें क्या पता कि गोल गप्पे से बात पिज्जा बर्गर में नहीं है। ग्राहक से बात करते हुए गरीब भाई के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी कि अब घर का गुजारा कैसे होगा, और फिर दुकान का किराया भी तो देना होता है। ऐसा क्या किया जाए जिससे कमाई में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हो। ऐसे तो धीरे धीरे मेरी दुकान बंद हो जाएगी। मुझे जल्द से जल्द कुछ सोचना होगा, लेकिन मुझे खाना बनाना बचपन से ही बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मुझे कोई और काम आता ही नहीं। गरीब भाई ये सभी सोच ही रहा होता है कि तभी ग्राहक से बात करते हुए उसके दिमाग में एक विचार आता है। अगर आजकल सभी पिज्जा बर्गर इतना ही पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना मैं एक ऐसी डिश बनाऊं जो पिज्जा बर्गर और गोलगप्पे से मिलकर बनी हो। ये एक बहुत ही अनोखा आइडिया था जो कि आज तक किसी के दिमाग में नहीं आया था, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लग रहा था करने में उतना ही मुश्किल भी था। अगर मैं इस डिश को बनाने में सफल हो जाता हूँ तो मेरी दोनों समस्याएं दूर हो जाएंगी। मेरे परिवार के गुजारे के लिए पैसे भी मिल जाएंगे और मेरी दुकान भी बच जाएगा। बस फिर क्या था, उसके बाद गरीब भाई बर्गर पिज्जा और गोलगप्पे का फ्यूजन बनाने में लग जाता है और कुछ महीनों में एक अनोखी रेसिपी तैयार कर लेता है। अब बारी थी उसे बेचने की। सवाल ये है कि ग्राहकों को ये पसंद आएगी या नहीं।
बाजार में गरीब भाई की दुकान के बाहर। सभी चीजें तैयार कर ली हैं, बोर्ड भी लगा दिया है, बस अब ग्राहकों के आने का इंतजार है। अरे भाई, तुमने ऐसी अनोखी डिश क्यों बनाई? जरा चखाना तो, हम भी देखें कैसी लगती है। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर खाकर देखो, फिर बताना कैसी लगती है। अरे वाह, क्या अनोखी चीज बनाई है आपने, मन करता है खाता ही जाऊं, रुको ही ना। जब सभी लोग गरीब भाई की ये डिश खाते हैं तो वे उसे खाते ही रह जाते हैं, लेकिन उनका मन नहीं भरता। धीरे धीरे करके गरीब भाई की ये मशहूर डिश सब जगह फेमस हो जाती है। चारों तरफ गरीब भाई की ही दुकान के चर्चे होते हैं। चलो, आखिरकार सब ठीक हो गया, मेरी मेहनत काम आई, बस मुझे खाना बनाने से अलग नहीं होना पड़ा। ग्राहकों को मेरी डिश पसंद आए, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। गरीब भाई ने अपना बिजनेस अच्छा खासा बना लिया था और वो काफी खुश थे, लेकिन इस अनोखी डिश की खबर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट के मालिक को लगती है। एक मामूली से सड़क छाप गोल गप्पे वाले ने ऐसी अनोखी डिश का आविष्कार कर दिया और तुम लोगों को मैं इतने पैसे देता हूँ, तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। उस रेस्टोरेंट का मालिक गरीब भाई के इस डिश को बनाने का तरीका जानना चाहता था, जिससे लोग उसे रेस्टोरेंट में उसे खाने आए और उसके बिजनेस में फायदा हो। जाओ, उसे जितने पैसे देने हो दे दो, जो कुछ भी करना पड़े करो, पर उससे पता करके आओ ये डिश कैसे बनते हैं। मुझे रेसिपी चाहिए, कैसे भी करके, मुझे नहीं पता। अगले ही दिन मालिक अपने आदमियों को गरीब भाई के पास भेज देता है। तुम वही गोलगप्पे वाले हो ना, जिसने एक नई डिश बनाई है? हम एक मशहूर रेस्टोरेंट से आए हैं, हमें उस डिश को बनाने का तरीका चाहिए। जी साहब, मैं ही हूँ, लेकिन मैं आपको अपनी बनाई हुई डिश का तरीका क्यों बताऊँ? बनाई तो मैंने है ना। मुझे नहीं पता कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं, पर यहाँ से लौट जाइए। गरीब भाई की इतनी बातें सुनकर ही उन आदमियों को गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत मारते पीटते हैं। गरीब आदमी उनके सामने बहुत रोता है, लेकिन वो उसके एक भी नहीं सुनते। उठाओ इसे और गाड़ी में पटक दो, अब नहीं तो कुछ देर बाद तो बता ही देगा। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वे लोग उसे गाड़ी में भरकर रेस्टोरेंट में ले जाते हैं। उनके द्वारा बहुत मारे पीटे जाने के बाद गरीब भाई अपनी रेसिपी रेस्टोरेंट वालों को बता देते हैं। इन अमीर और बेकार लोगों की वजह से इस दुनिया में गरीब लोग कभी चैन से नहीं जी पाते, ये हमसे हमारी हर छोटी सी खुशी छीन लेते हैं। कुछ दिनों बाद रेस्टोरेंट वाले गरीब भाई की बनाई हुई रेसिपी के बड़े बड़े पोस्टर अपने नाम पर लगवा लेते हैं और सभी लोग उस रेस्टोरेंट पर खाने जाने लगते हैं। गरीब भाई को ये देखकर बहुत दुख होता है। अब मैं क्या करूँगा, मैं तो फिर से उसी संकट में आ गया, और अब इन रेस्टोरेंट वालों ने यही रेसिपी अपने नाम कर ली है, अब मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। तभी एक दिन सुबह गरीब भाई के पास एक ग्राहक आता है और बोलता है, अरे गरीब भाई, वो तो तुम्हारी बनाई हुई रेसिपी थी, मैंने सुना तुम्हारे साथ क्या हुआ, लेकिन तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाँ गरीब भाई, हम खाना खाने के लिए उनके रेस्टोरेंट में गए थे, उन्होंने रेसिपी तो आपसे ले ली है, लेकिन वो आपके जैसा स्वाद उसमें नहीं मिला हमको। ये बात सुनकर गरीब भाई की थोड़ी हिम्मत वापस आती है और वो सोचते हैं कि अभी भी कुछ ना कुछ किया जा सकता है। उसके बाद वो रेस्टोरेंट वालों के पास जाते हैं। लगता है कि तुम लोगों ने रेसिपी तो मुझसे जबरदस्ती ले ली, लेकिन मेरा स्वाद जबरदस्ती मुझसे नहीं छीन पाए। तभी उस रेस्टोरेंट का मालिक वहां आ जाता है और वो बड़े प्यार से गरीब भाई से कहने लगता है, अच्छा तो तुम हो गरीब भाई जिसने एक डिश को इतना मशहूर बना दिया, बुरा मत मानना, लेकिन क्या तुम हमारे यहाँ काम करना चाहोगे? रेस्टोरेंट के मालिक की ऐसी बातें सुनकर गरीब भाई को बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं तुम जैसे लालची और कपटी लोगों के यहाँ काम नहीं करूँगा, चाहे मैं 2 रुपए कमा कर ही अपना गुजारा क्यों ना कर लूँ, पर तुम्हारे साथ काम कभी नहीं करूँगा,
तुम लोग मेरे हाथ का स्वाद बेचकर चौगुना कमाओगे और कस्टमर्स को बेवकूफ बनाओगे। अरे नहीं, तुम गलत समझ रहे हो गरीब भाई, ऐसा कुछ नहीं है। इतने में ही गरीब भाई वहाँ से गुस्सा होकर वापस चला जाता है। रेस्टोरेंट में उस रेसिपी को ना बिकने के कारण रेस्टोरेंट की इमेज दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। उसके बाद तंग आकर रेस्टोरेंट वाले उस रेसिपी को अपने बोर्ड से हटा देते हैं। फिर एक दिन गरीब भाई की दुकान के बाहर गरीब भाई, मैंने तुमसे कहा था ना, सब ठीक हो जाएगा। देखो, उन लोगों ने तुम्हारी रेसिपी का बोर्ड ही हटा दिया। अब तुम आराम से अपनी रेसिपी हमें बनाकर खिला सकते हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। फिर क्या था, सभी लोग वही स्वादिष्ट रेसिपी गरीब भाई की दुकान पर खाने पहुंच जाते हैं और वहाँ पर पहले जैसी भीड़ लग जाती है और गरीब भाई के जीवन में सब पहले जैसा खुशहाल हो जाता है। सोनू जामनगर ट्रैफिक पर रुकी गाड़ियों पे पोछा मारने का काम करता था। जेठ की तपती धूप हो या कड़कड़ाती सर्दी, वो इसी काम से अपने दो वक्त की रोटी का गुजारा करता था। साहब, शीशा और बॉनेट साफ कर दूं गाड़ी का? हाँ कर दो, वैसे भी जाम लंबा है। अभी किया साहब। एक दिन एक विदेशी कार जामनगर की ट्रैफिक पर रुकी, उसमें एक अंग्रेज बैठा हुआ था। सोनू हर बार की तरह उससे भी शीशा पोछने के लिए पूछने गया। हेलो सर, क्या मैं आपके गाड़ी का ग्लास क्लीन कर दूं? ओके ओके श्योर, आई विल पे यू $1 फॉर इट। सोनू को समझ कम थी कि डॉलर रुपया से बड़ी करेंसी है। वो उसे एक रुपया समझकर रख लिया और अंग्रेज की गाड़ी का शीशा साफ कर दिया। काम के बाद सोनू होटल वाले के पास जाता है और वो डॉलर देकर खाना मांगता है। भैया, इस पैसे का जो भी मिल जाए खाने को दे दो, भूख लगी है बहुत। ये नकली पैसा है, यहाँ नहीं चलेगा। होटल वाला डॉलर से अनजान था। भैया, ये मुझे एक बड़े से गाड़ी वाले अंग्रेज ने दिया। अरे जो भी हो, ये पैसा यहाँ नहीं चलेगा। सोनू बहुत उदास हो जाता है। लगता है आज भूखे ही रहना पड़ेगा। सोनू का एक दोस्त था मनीष। मनीष भी सोनू की तरह ही गरीब आदमी था। हमेशा काम की तलाश में रहता था, कहीं काम मिल जाता था तो गुजारा हो जाता था। अरे सोनू तो यहाँ है। भाई, खाना खाने आया था, मगर देखना क्या हो गया। सोनू अपने दोस्त मनीष को सारी बातें बताता है। भाई, आज मुझे काम मिला था, मैं भी खाने ही आया हूँ। चल, मैं हूं ना, आज दोनों भाई साथ खाएंगे। लेकिन पैसे। अरे तू चिंता क्यों करता है, मैं हूं ना, मैं पैसे दूंगा, चल। इस तरह मनीष और सोनू साथ में खाना खाते हैं। ऐसा पहली बार नहीं था, आज से पहले भी मनीष कई बार सोनू को भोजन करवा चुका था और कभी उससे पैसे नहीं लिया था। धन्यवाद भाई, आज तेरी वजह से मैं पेट भरकर भोजन कर पाया। अगले दिन सोनू ट्रैफिक के पास सड़क पर बैठा था, तभी वही विदेशी गाड़ी फिर से उसके पास आकर रुकी। Hey boy, come here. सर, आपकी नोट नकली है, इसमें मुझे खाना नहीं मिला। Okay, no problem. Take this tiffin box. इससे क्या होगा, ये तो खाली है। ये मुझे मेरे पूर्वजों ने दिया था, इसमें वो डॉलर का नोट रखकर एक घंटे के बाद देखना, पर ध्यान रहे कि जब तुम्हें भूख लगी होगी तभी इस टिफिन को यूज करना। ठीक है। सोनू ने अंग्रेज की बात को मजाक में टालकर उस डॉलर को उसी टिफिन में डालकर उसको अपने ठिकाने पे रख दिया। एक तो नकली नोट देता है, उस पर भी गरीबी का मजाक उड़ाता है, इस खाली टिफिन से मेरा क्या हो जाएगा। बड़बड़ाते हुए सोनू सो गया। अगला दिन बेहद तंगी से गुजरा सोनू का। वो सुबह से धूप में खड़ा रहा, पर किसी ने उससे अपनी गाड़ी साफ नहीं करवाई। नमस्ते सर, क्या मैं गाड़ी साफ कर दूं? अरे नहीं, चल निकल।
कहां कहां से आ जाते हैं लोग, गाड़ी गंदा कर दिया। रात हो गई थी, सोनू भूखा था और आज के दिन उसने खाना खाने लायक पैसे भी नहीं कमा पाए थे। आज लग रहा है मुझे भूखे पेट ही सो जाना पड़ेगा। रास्ते में उसे कई दुकान दिखते हैं जिनमें स्वादिष्ट भोजन मिल रहे थे। पैसे ना होने की वजह से सोनू कुछ भी नहीं खा पाता है। वाह, मकसूद चाचा की बिरयानी कितनी स्वादिष्ट नजर आ रही है, काश मेरे पास पैसे होते। मन ही मन सोचते सोचते वो अपने ठिकाने पहुंचा, थोड़ा पानी पिया और सोने की कोशिश करने लगा। ये बिरयानी वाली महक कहां से आ रही है, शायद मेरा भ्रम होगा क्योंकि मैं भूखा हूं ना। थोड़ी देर बाद फिर, अब बहुत हुआ, ये महक मुझे सोने नहीं दे रही। एक तो भूखा हूं, उस पर से ये महक, चलो पता लगाता हूं कि किधर से आ रहा है ये। वो महक का पीछा करते हुए टिफिन तक जा पहुंचा, जहां वो डॉलर टिफिन के अंदर से ऊपर आ चुका था और उस टिफिन में वही मकसूद चाचा वाली गर्मा गर्म बिरयानी महक रही थी। हे ईश्वर, वो अंग्रेज तो सही बोल रहा था, इसमें तो सच में मेरा पसंदीदा खाना आ गया है, वो भी तब जब मैं भूखा था। सोनू ने हाथ जोड़कर अपनी किस्मत और अंग्रेज को धन्यवाद दिया और खाने लग गया। आह, पेट भर गया, इतना छोटा टिफिन होने के बावजूद पेट पूरा भर गया। खाना खाकर सोनू बाहर जैसे ही टहलने गया, उसे वो विदेशी कार दिखी। सर, आपकी टिफिन में तो जादू है, वो नकली नोट डालकर रखने पर वही हुआ जो आपने कहा था। हाँ, वो मेरा परदादा का टिफिन था, उसमें कोई भी पैसा डालकर रख दो तो जब आपको सही समय में जरूरत होगी और भूखे होंगे तो आपके मनपसंद का खाना अपने आप आ जाएगा। वो कैसे आएगा? जादू से, क्योंकि मेरे परदादा को ये टिफिन एक परी ने दिया था, तब वो भी बहुत गरीब थे। आज पूरा खानदान हमारा धनी है। ठीक है सर, मतलब मैं कभी भूखा नहीं सोऊंगा। कदर करना उसकी, कभी भूखा नहीं सोओगे। वास्तव में इसका खाना जादुई खाना होता है, बहुत स्वादिष्ट रहता है। क्योंकि वो तुम्हारे पसंद का रहता है, जिस दिन तुम अपने मेहनत की कमाई नहीं पाए उस दिन ये टिफिन तुम्हें खाना खिलाएगी। ये डॉलर भी इसीलिए दिया हूं कि तुमसे कभी भी खर्च ना हो और हर बार जरूरत के वक्त टिफिन में डालने के लिए तुम्हारे पास मौजूद हो। धन्यवाद सर, आप भी भगवान हो मेरे लिए। गॉड ब्लेस यू माय बॉय। इस तरह अब सोनू हमेशा की तरह मेहनत करता था। जिस दिन खाने का इंतजाम हो जाता वो अपनी मेहनत की कमाई खाता था, जिस दिन इंतजाम नहीं होता वो टिफिन उसके लिए जादुई खाने का इंतजाम कर देता। धीरे धीरे सोनू दोगुनी मेहनत करके बड़ा आदमी बन गया और उसके टिफिन के जादुई खाने की जरूरत खत्म हो गई। अब मुझे तो इस टिफिन की जरूरत नहीं है, मगर इस दुनिया में कोई ऐसे लोग होंगे जिन्हें इस टिफिन की सख्त जरूरत होगी, मैं उन्हीं में से किसी एक को ये टिफिन दे दूंगा। एक दिन मनीष सोनू को दिखाई देता है। मनीष से अच्छा और कोई इंसान नहीं हो सकता है जिसे ये टिफिन दूं। उसी दिन सोनू मनीष को सारी बात समझाकर वो टिफिन दे देता है। चल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। भाई याद रखना, जब तेरी जरूरत खत्म हो जाए तो किसी जरूरतमंद को ये टिफिन दे देना। हाँ बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूंगा। इसके बाद सोनू अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाता है।